बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नूडल्स की रेसिपी है, लेकिन नूडल्स बड़े ही स्पेशल तरीके से बनाए गए हैं कीमे के साथ। तो रेसिपी वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर मेरे चैनल को कोई दीबा पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने एक वोक ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दूँगी, और इसमें 3 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी। और ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें चॉप किया हुआ मैं प्याज डाल दूँगी 1 कप के बराबर। और प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। और देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का, लाइट सा पिंक कलर आ गया है। अब इसमें मैं कीमा डाल दूंगी, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, और कीमा डाल के इसको फ्राई करेंगे। और अच्छी तरह से इसको खोलना है, ये जिस तरह से बाइंड होता है इसको इस तरह से करके खोल खोल के तो इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसमें से कीमे की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और फिर से इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी। और अब ये मसाले डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको फ्राई करेंगे। और जितना अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। लूँगी इसमें और ये भी डाल के इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, ये भी मैंने क्यूब्स में कट किए हुए थे, और टमाटर डाल के भी इसको फ्राई करेंगे। तो ये कितना अच्छा सा भुन गया है हमारा कीमा। अब इसमें मैं 1 कप पानी का शामिल करूँगी, और पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी होने वाली है आज। अब इसको कवर कर दूँगी, तो इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करूँगी इस तरह से लेड लगाकर। तो मीडियम तो लो फ्लेम पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेसल में पानी ले लिया है, और इसमें नूडल्स हम बॉईल करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल दिया है, और 1 टीस्पून नमक। और अब इसमें नूडल्स मैं डाल दूँगी, जो कि मैंने आधा पैकेट यूज़ किया है, इस तरह से मैंने पूरे ही डाले हैं। और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होंगे ये नीचे गर्म पानी में मिक्स हो जाएंगे, और इनको अच्छी तरह से कुक करना है, इतना कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। वैसे चिकन में तो स्पैगेटी आपने बहुत यूज़ की होगी, लेकिन कीमे के साथ आपने इसका फ्लेवर चेक नहीं किया होगा। बहुत ही मज़े की बनती है, आप जब भी बनाएं और कीमे के साथ बनाकर देखें, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये हमारे नूडल्स सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह मैं स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा कीमा कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, और पानी भी सारा इसमें ड्राई हो चुका है। बहुत ही मज़े का कीमा तैयार हुआ है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा कीमा निकाल लूँगी, और अगले स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि इस कीमे को मैं क्या करूँगी। अब इसी कीमे में मैं वेजिटेबल्स डालूंगी, जो मैंने जुलियन कट की हुई हैं, गाजर और शिमला मिर्च, इस तरह से जुलियन कट में डाल देंगे, और ये डाल के भी अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो ये देखिए सारी सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फिर नूडल्स की सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप केचप ली है, और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, और 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाली है। और सोया सॉस डाल के फिर इसको अच्छी तरह से 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ये सारी सॉस को।
ये इसकी बहुत चटपटी सी एक सॉस तैयार हो गई है। तो इसको अब नूडल्स के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो सारी सॉसेस के क्वांटिटी और बढ़ा दें और इस तरह से बस इसको मिक्स कर लेंगे और ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें जो हम बॉयल किए थे हमने नूडल्स वो डाल देंगे। ये देखें ये स्टिकी नहीं हुए, सारे नूडल्स अलग अलग हैं। इस तरह से अब दो चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे लूँगी ताकि कीमा और नूडल्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, वेजिटेबल्स भी। और 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। और काली मिर्च डालने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। कितने ज़बरदस्त से नूडल्स हमारे रेडी हो गए हैं और बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं आज। और लास्ट पे मैं इसमें लीमू निचोड़ के डालूँगी। एक लीमू मैंने लेके उसको निचोड़ के डाल दिया है। तो देखें हमारे कितने मज़े के कीमा नूडल्स तैयार हो गए हैं। और जो कीमा मैंने निकाला था आपके सामने वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसकी गार्निशिंग अच्छी हो जाए और ये टेम्पटिंग लगे और देखने में बच्चों को भी अच्छे लगें। कितने हेल्दी और डिलीशियस नूडल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।